हाय व्यूअर्स, मैं हूं सलमान अहमद और आप देख रहे हो आर्ट एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ टोमेटो। टोमेटो को आप किस तरह बना सकते हैं, उसमें शेडिंग के साथ किस तरह कलर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। चार्ट में हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। और इस सर्कल की हेल्प से हम टोमेटो का परफेक्ट शेप बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरह। इस तरह का शेप बनाना है। इस तरह का शेप बनाने के बाद हमें इसमें शेडिंग करना होगा। शेडिंग किस तरह से हम कर सकते हैं उसे आपको बहुत ही गौर से देखना है। व्यूअर्स, अब हम कलरिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। कलरिंग की शुरुआत करने से पहले आपको कलर के बारे में बता दूं, हमें डीप येलो लेना है, इसी के साथ ऑरेंज कलर, रेड कलर, लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर और पर्शियन ब्लू कलर। इन रंगों के साथ साथ मैं ग्लास मार्कर का भी यूज करूंगा। व्यूअर्स, अब हम कलरिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको किस तरह हम टोमेटो में कलर करेंगे इसके बारे में आपको बता दूं। इस तरफ से लाइट आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा और ये ऊपरी हिस्सा, ये यहाँ पर हाईलाइट रहेगा। ये पहला हिस्सा लाइट, बीच में मिडल और ये डार्क, साथ में यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगा और शेडो लास्ट में। इस तरह हमें इसके अंदर कलर करना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मीडियम येलो कलर लूंगा मैं, यहाँ पर जहाँ हमें हाईलाइट लेना है उससे थोड़ा सा पहले हमें मीडियम येलो कलर अप्लाई करना है इस तरीके से। ये देखिए हाईलाइट की जगह छोड़ा हूँ मैं यहाँ पर भी। ये देखिए इस तरह, इसके बाद ऑरेंज कलर लूंगा मैं यहाँ पर, ऑरेंज कलर थोड़ा सा मिक्स करूंगा। मिक्सिंग करना है हमें, मिक्सिंग बहुत जरूरी है और इसको हल्का कर लूंगा इस तरह यहाँ पर भी। ये देखिए इस तरह से हमें मिक्सिंग करना है, मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है ये डीप येलो कलर को ऑरेंज कलर में मिक्स करना, ये मिक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है। मिक्सिंग होने के बाद हमें क्या करना है, ये ऑरेंज कलर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है ताकि हम उसके अंदर रेड कलर मिक्स कर सके।
देखिए धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना है, और रिफ्लेक्टेड लाइट में भी हमें ऑरेंज कलर ही करना है यहाँ पर। हमारा टोमेटो रेडिश शेड में है, लेकिन हम रेडिश शेड के लिए थोड़ा सा ऑरेंज कलर को यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ऑरेंज कलर होने के बाद उसके बाद मैं रेड कलर लूँगा और इसको मिक्सिंग करना स्टार्ट करूँगा। ये देखिए इस तरह हमें मिक्स करना है हल्के हाथों से। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, अगर हमारा शेड एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है तो जो इफ़ेक्ट हम चाहते हैं वो इफ़ेक्ट हमारे ड्राइंग में नहीं आ पाएगा। इसलिए मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ऑरेंज कलर लेकर मैं यहाँ पर इसको मिक्स करूँ रेड कलर। कि यहाँ पर डीप बताने के लिए यहाँ डार्क कलर यूज कर रहे हो, यहाँ डीप रहेगी इसीलिए डार्क कलर का यूज कर रहा हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से हमें मिक्सिंग करना है। अब ये मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पर जहाँ ज़रूरत है हमें बारीक हिस्सा है, बारीक पार्ट है, तो मैं ग्लास मार्कर का यूज़ करूँगा ये आगे की जानिब थोड़ा सा। शार्पनेस के लिए मैं ग्लास मार्कर का यूज कर रहा हूं। ये देखिए इस तरह ग्लास मार्कर का यूज करना है आप। ये जो वाइट वाइट पार्ट है कोशिश करना है ये नजर ना आए। अब हमें क्या करना है व्यूअर्स, ये ऑरेंज जो पार्ट है हमारा ये ज्यादा नजर आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा यहाँ पर, और डार्कनेस को यहाँ पर बढ़ाना है हमें। जो डार्क में भी एक हिस्सा आता है ज्यादा डार्क का,
उस हिस्से को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पर्शियन ब्लू कलर हल्का हल्का, ये देखिए इस तरीके से, पर्शियन ब्लू कलर इस तरह अप्लाई करूंगा और इसको रेड कलर से मिक्स करूंगा। सफाई के साथ हमें ये काम करना होगा ताकि ये जो कलर है वो उसी का हिस्सा नजर आए, अलग ना, अलग हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमें मिक्स करना है। लास्ट में हमें क्या करना है, डार्क ग्रीन कलर लेना है और यहाँ पर ये जो हिस्सा है हमारा इस पर इस तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा येलोइश कलर लगाकर इसको इस तरह से मिक्स कर, ग्लास मार्कर की मदद से हमें जो डेप्थ की काम है, बारीक काम, ग्लास मार्कर की मदद से कर, और लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पर जहाँ लाइट है वहाँ लाइट ग्रीन में इस तरह अप्लाई कर दूँ। अब हमें क्या करना है, वाइट कलर लेना है और उससे हाईलाइट बनाना है। ये जो हमारा हाईलाइट है उसके ऊपर वाइट कलर से इस तरह इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा यहाँ पर, ये हाईलाइट बनाना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा यहाँ पर भी आ जाए। ये देखिए इस तरह व्यूअर, इस तरह हमारे ड्राइंग में, हमारे टोमेटो में लाइट, मिडल, डार्क, रिफ्लेक्टेड लाइट, हाई लाइट के साथ साथ तमाम चीज़ें आ चुकी है। अब हमें इसके अंदर शेडो बनाना है। देखिए शेडो किस तरह, दीगर दूसरे ऑब्जेक्ट में जिस तरह हम शेडो बनाए उसी को फॉलो करते हुए हम टोमेटो में भी शेडो बनाएंगे। देखिए इस तरह से जहाँ से शेडो हमारा ये स्टार्ट हो रही है वहां पर डार्क रखना है और धीरे धीरे इसे लाइट करना। ये देखिए इस तरह से, और जहां पर शेडो स्टार्ट हुई है वहां पर ब्लैक मार्कर से इस तरह देखिए इस तरह आपको ब्लैक मार्कर से करने के बाद व्हाइट कलर से इसे मिक्स करना है। ये देखिए आप, इस तरह आपको मिक्स करना है। व्यूअर्स इस तरह आप अपने टोमेटो में कलर कर सकते हो। व्यूअर्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।